Hi, what's up and welcome back to our channel. Also, a little update on my surgery जो ऐसे पीछे सर पे हुई थी. Stitches निकल गए हैं. Yes, I'm all fine. In fact, मैंने head wash भी कर लिया. I feel so free. Now, coming back to the video, you guys send me so many products Instagram पे जो कि Amazon पे अभी they are selling and again हमें बहुत सारे questions हैं कि भाई वो products क्या है, ये real में work करते भी है या नहीं करते हैं. Same thing, लेकिन आज हम try करने वाले हैं, देखेंगे, पूरा पर्दाफाश करेंगे. Let's get started. तो सबसे पहले हमारे पास एक temporary hair color, वो भी गोल्डन कलर में, एंड इसके पीछे लिखा हुआ है कि स्प्रे ऑन वॉश ऑफ, मतलब स्प्रे करो एंड बाद में तुम इसे धो भी सकते हो, ऐसा ये कह रहे हैं. मतलब देखते हैं. शेक वेल बिफोर यूज. कुछ आवाज नहीं आ रही इसमें से, बट ठीक है. अब आइए, ये 600 रुपीज का है, तो मन्नी आ गया बिकॉज पब्लिक को मन्नी के. एक सेकेंड, मेरी जड़ पे नहीं लगाना. अच्छा, नहीं लगा. सिर्फ यहाँ लगाना था. नहीं, वो लगा. हम नीचे ट्राई करेंगे जस्ट टू बी सेफ. ठीक है. थोड़ा ज्यादा हो गया इस तरफ. बहुत स्मेल आ रही है. बहुत ज्यादा स्मेल. ये बहुत कम लगाना है वैसे. तो तूने इतना सारा क्यों लगाया? मतलब पता नहीं चल रहा ना कितना आ रहा है एक साथ. हाँ, ऐसा. इट्स लाइक अ, अगर मैं ऐसे फैला, हाईलाइट तो आया है. बहुत पूरे रूम में इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई. आई कांट ब्रीथ. मेरे नए हाईलाइट्स आ गए हैं. यस, इतने महंगे होते हैं हेयर कलर. मैंने बस स्प्रे किया एंड आई एम डन. प्लस इससे मैं, मन्नी, मेरा पूरा परिवार यूज कर सकता है. इसकी बस स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो देख लेना एंड बाद में तुम इसे धो भी सकते हो. एंड ये लगाने के बाद इसे ड्राई ड्राई भी नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि मेरे बालों का कलर ही ऐसे है. तो ये इट्स नाइस, इट वर्क्ड. ये देख, ये है आई वॉश कप. बहुत ही छुटकू सा भाई साहब. इसमें आया भी है प्रोडक्ट आंखें धोने के लिए. हाँ. मनी इज जजिंग अस सो हार्ड ऑलरेडी. मेकअप वगैरह धोना होगा इससे? नहीं, आंखें धोनी है. खाली आंखें, मतलब कोई भी धो सकता है? हाँ, तू भी धो सकता है. ऐसे कितना क्यूट लग रहा है. हम ऐसे लिटिल साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले. इसको जोड़ना पड़ेगा. ये यहाँ लगेगा. पकड़ो. ठीक है. और ये यहाँ लगेगा समथिंग. या दिस इज हाउ द होल थिंग लुक्स लाइक. ऐसे जिनी का चिराग लग रहा है. बहुत ही प्यारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लग रहा है. इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है. ऐसा लग रहा है मैं इसे शोपीस की तरह रख लूँ घर पे. लेकिन इसमें करना क्या है अब? ओके, अब इसमें तेरे को थोड़ा सा पानी डालना है. ऐसा लग रहा है चाय बना रहे हो. बस बस बस, ठीक है. अब आज आप तेरे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे. नहीं. यस. तो इसको इस ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है? किसी भी आंख में लगा ले. ऐसे? हाँ. इसे इसको दबाना है तो ये ऊपर आएगा पानी. अरे यार, मेरे को डर लग रहा है. उछलेगा ये? हाँ. हो रहा है? हाँ. ओ हाँ. अरे आंखें जल गई. आंखें जल गई? नहीं, आंखें खोले भी रखनी है. तभी तो आंखें साफ होगी मन्नी. फिर आईलिड साफ होगा वरना. ये क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? चलो दिखाओ क्या करना है. मन्नी, इसमें गंदा तो निकला है. छोटा छोटा सा डस्ट. ओके, पार्ट टू. मेरी टर्न या मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा और दर्द भी होएगा आंखों में. ये क्या बात हुई? ओ या, हो रहा है. सही है, मेरे को तो कोई दर्द नहीं हुआ. आई गेस तूने बहुत प्रेशर से डाला. अभी एक दो बार किया ना, ढंग से कर, अच्छे से दबा. मैं करूँ? ये अच्छा है. और इसमें से ऐसे वो भी निकला है कूड़ा आंखों का, मतलब मन्नी का दिख रहा था, मेरा नहीं दिख रहा है. थैंक गॉड, मेरी आंखें साफ है. आई थिंक ये तेरे को डेली यूज करना चाहिए. ये मेरे को काम की चीज लगी. ये तो मैं वैसे भी मुंह धोता तो हूँ. हाँ, बट इससे गंद निकल रहा है ना, तो वो हमें दिखता नहीं है, बट उससे भी निकलता होगा ना. नहीं, मेरे को तो ये सही लगा. मन्नी को ऐसा मन नहीं आया, बट आई थिंक इट वर्क्स. फन के लिए अच्छा है. फन के लिए. हाँ. बट 550 तो बहुत महंगा है, मैं ऐसे ही धो लूंगी. मूविंग ऑन, फाइनली हमारे पास आ गए हैं पॉली जेल नेल्स. एंड मुझे पता है सब लोगों को काफी वेट था कि मैं इनको ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे नेल्स ऐसे रहते हैं, मतलब खच्चर बिल्कुल खराब. तो हम खुद के नेल्स बनाने वाले हैं. यस, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें नेल्स मिले, हमें बस वो चिपका देने. हम खुद के नेल्स बनाएंगे इसमें. लाइक पैकेजिंग कितनी प्रॉपर है. ऐसे ब्रशेस पे ब्रशेस निकल रहे हैं गाइस इसमें से. ऐसे स्पैचुला भी ऐसे लाइक क्यूटिकल्स को पुश वगैरह करने के लिए. आई गेस सोनिया की नेल एक्सटेंशन की दुकान में आप सभी का स्वागत है. तो दिस इज ऑल द स्टफ जो कि हमारे उस बॉक्स में आया है. एंड ये पूरा स्टफ हमें 1200 रुपए का पड़ा. देखते हैं कि ये मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं. तो हमारे पास सबसे क्यूटेस्ट थिंग आई है, ये ऐसे यूवी मिनी लैम्प जो कि ऐसे बटन दबाओ और ऐसे. Oh, so cool. हमारे पास पूरा सॉल्यूशन, हमारे पास नेल्स, हमारे पास बेस कोट, टॉप कोट एंड हमारे पास 3 तरीके के ऐसे कलर्स भी आए हैं जिससे हम अपने ऐसे वाले नेल्स बना सकते हैं. ये बनेगा हमारा. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिम एंड क्लीन करने हैं जो कि मैंने कर लिए थे ऑलरेडी. उसके बाद हमें लगाना है
बेस कोट, ओके इनमें से कौन सा हमारा बेस कोट ये लगा लेते हैं। पता है मैंने इसकी कितनी सारी रील्स देखी है, इतना मजा आता है देखने में, इतने प्यार से लड़कियां बना रही होती है नेल्स, हो सो सैटिस्फाइंग। ओके तो जब तक ये सूख रहा है चूज सूटेबल नेल टिप एंड अप्लाई पॉली नेल जेल। ओके तो ये रहे हमारे नेल टिप्स, सो हैप्पी, काश इनाया होती उसको इतना मजा आता आज। तो मैंने अपने ऐसे नेल टिप्स निकाल ली है अपने फिंगर्स के हिसाब से, तो ये रहा मेरा थंब जैसे कि एंड ये फिंगर एंड ऑल। एंड अभी हमें अपना कलर चूज करना है, तो हमारे पास ऐसे तीन शेड्स हैं, पिंक, न्यूड एंड वाइट। आई एम थिंकिंग न्यूड के साथ गो अहेड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपना सॉल्यूशन बनाना है जो कि हम इसमें बनाएंगे। ये छोटा सा कप भी आया है इसके साथ किट में, सो कूल। एंड ये रहा इसका सॉल्यूशन, तो हल्का सा डालेंगे इसके अंदर जो ये है, इसकी भी पैकेजिंग प्रॉपर आई है। एंड ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि नेल में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि हमें क्यू टिप लेनी है, उस पर हल्का सा ये वाला अपना फेवरेट शेड लगाना है, लाइक ड्रॉप लिटरली इतना सा, तो ऐसे लेना है और अपने नेल पे लगा देना है। पता है ये हार्ड होते हुए मेरे को पता चल रहा है। ऑल्सो मैंने अभी सिर्फ एक ही फिंगर पे ट्राई किया बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम, उसके बाद हम सारे नेल्स पे देख लेंगे। आई गेस ये हो गया है एंड ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट इट, अभी हमें इसे हटाना है। ये तो बहुत आराम से हट गया और ये मेरा नेल बन गया है। इट वर्क्ड। प्रॉब्लम ये हो गई है इस वाले में कि मैंने ज्यादा ना प्रेस करने के चक्कर में थोड़ा कम प्रेस किया, एंड ये देख रहे हो यहाँ गैप, तो ये गैप बन गया है। तो तुम्हें ये प्रैक्टिस कर करके ही समझ आएगा, मेरा फर्स्ट टाइम था बट मुझे तो ये तब भी कितना बढ़िया लग रहा है। मूविंग ऑन, अभी हम नेक्स्ट नेल पे ट्राई कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये मेरा ट्रायल सेशन चल रहा है, मैंने इस बार कम लिया है, बहुत ज्यादा कम लिया है प्रोडक्ट। एंड इसको थोड़ा ऐसे फैला लेते हैं हिसाब। इंटरनेट पे तो बहुत ईजी लगता है, ऐसा लगता है कि वाह ये तो मैं भी कर डालूंगी, बट इट्स टफ एक्चुअली फॉर अ फर्स्ट टाइम बिगिनर लाइक मी। आई गेस ये वाला थोड़ा सही बनेगा, थोड़ा सा प्रेस किया है मैंने इसको इस बार, लेट्स सी। बट दिस इज सच अ नाइस थिंग, इट्स सच अ क्यूट नेल एक्सटेंशन वाला, आई लव इट। मेरे को ये दो नेल्स करने में इतना ज्यादा टाइम लगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला था वो तो बिल्कुल ही लाइक थोड़ा सा खराब बना, क्योंकि यहाँ बहुत गैप है, ये बहुत ही मोटा सा नेल बना है, लेकिन ये वाला पिंकी मेरी बहुत ही ज्यादा क्यूट बनी है। आई एम हैप्पी विद इट, ये काफी क्यूट बना है, इनफैक्ट लाइक प्रॉपर शेप साइज, दूर से भी काफी क्यूट लग रहा है। एंड अब मैं खुद के कर सकती हूँ, एंड ये बहुत ही सस्ता है इन अ वे कि मैं इसको काफी बार रीयूज कर सकती हूँ, काफी बार यू नो इसे ट्राई आउट कर सकती हूँ, तो मेरे पैसे उस वे में बच गए, क्योंकि नेल एक्सटेंशन कराने जाओ बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। ऑल्सो मेरे को काफी डिफरेंस भी पता चल रहा है, लाइक जब मैं नेल एक्सटेंशन करवाती हूँ मेरे को हैवी हैवी से फील होते हैं नेल्स एंड हैंड्स पे, बट ये बहुत ही लाइट है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा रियल नेचुरल नेल है, लाइक ज्यादा मेरे को पता नहीं चल रहा है। इसके ऊपर मैं अपनी फेवरेट नेल पेंट भी लगा सकती हूँ, बट मेरे को ऐसे नेचुरल पिंक वाला जो शेड है वो भी अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम इम्प्रेस। हमारे पास इतना बड़ा हेयर कर्लर आया है, लिटरली पूरी स्क्रीन पे ये फिट हो गया, एंड आई होप ये इतना बड़ा तो आई डोंट थिंक सो होगा, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वाले को ट्राई करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रहा था अमेजोन पे, इनफैक्ट जब मैंने भी हेयर कर्लर लिखा तो ये ही सबसे ऊपर मेरे को दिखा रहा था, तो लेट्स सी। ओके बहुत सारी पैकेजिंग उल्टा है ये, तभी गिरा देती मैं, मैं थक गई इसको खोलते खोलते। फाइनली भाई साहब ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये काफी बड़ा है, तो मतलब जितना पैकेजिंग में दिखाया था काइंड ऑफ उतना ही बड़ा है। ये रही इसकी वायर, ये दिखने में काफी सुंदर लग रहा है, ऐसे लाइक बिल्कुल पेस्टल लाइक मैट सी फिनिश है इसके ऊपर, नॉइस। ये लगा दी हमने इसकी वायर, और ये ऑफ लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर, ये ऑन कैसे होगा। तुम इसकी हीटिंग भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, तुम्हें कितने पे रखना है, तो यहाँ पे ऐसे लेफ्ट राइट वाले बटन है, ये इधर घूमेगा, ये वाला दबाओगे तो ये इधर उल्टा घूमेगा। ओके ये ऐसे लगाया और ये तो बार बार घुमाते नहीं रहना, रुक दे अब उसे होने दे, गिव इट अ मिनट लाइक 30 सेकंड्स कुछ, आवाज नहीं पता चलेगी कोई नहीं। ओ हाँ सॉरी थोड़े से मेरे बार बहुत छोटे हैं इसके लिए, ये बहुत ही नॉर्मल से हुए हैं, लाइक इस तरफ वाले करके देखते ये क्या बात है पता कैसे ऐसे नहीं लेने होते है। अब हुआ है ये थोड़ा सा, यस अब इसको ऐसे ही रहने दे, थोड़ा सा और घुमा दे, बस 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 अब सारे चले गए अंदर। फाइनली व्हाट द हेल, आई थिंक मेरे बाल थोड़े से छोटे लाइक मैं खुद से नहीं कर पा रही हूँ इससे, लाइक आई नीड हेल्प। बाय बाय, नहीं अरे हो गया खोले इसे, यस यस ऐसे छोटा सा वेवी आया मेरे पास, मस्त।
यूजुअली यही तो चाहिए था मेरे को। कुछ नहीं करना है इसको, मेरे को समझ आ गया। ठीक है, उल्टा लगाना है और घुमाना उल्टी तरफ है। जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि वो उधर घूमे हाँ। बट नहीं, ये उल्टा घूमे। सही कह रहा है। I learned something. नहीं नहीं अभी कुछ हुआ नहीं, बट मैं बता रहा हूँ। okay, okay. Thank you so much. तो it works. ये मेरे को 2200 रुपए का पड़ा है। 200 रुपए मैंने अगेन शगुन के दिए हैं इसको, ये 2000 रुपए का। एंड आई नो अमेजोन पे लाइक ड्यूप वर्जन भी मिल रहे होते हैं बहुत ही महंगे वाले हेयर कलर्स के, एंड इससे सस्ते वाले भी मिलते हैं, बट इसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी तो वी हैड टू ट्राई इट। ये वर्क किया, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ बट मनी हेल्प मी, तो हो जाएगा, मतलब इट वर्क दैट वे। बट आई गेस महंगा है तो अच्छा होगा ऐसे आता नहीं दिमाग में, बट बाकी वाले भी वर्क कर जाते हैं। तो नाउ चॉइसेस ऑल योर्स, तुम्हारे पास ऑप्शंस है, बट ये वाला भी वर्क करता है। मूविंग ऑन, हमारे पास है एक ग्लॉसी स्टिक, लाइक इट्स नॉट अ हाइलाइटर, आई विल शो यू, बट इसकी पैकेजिंग ऐसे आया है, लिटरली खुला हुआ है, बिल्कुल ही खच्चर हालत बेचारा बॉक्स, इट्स ओके, बट प्रोडक्ट हमारे पास सही आया है, काफी शाइन कर रहा है एंड ऐसे आराम से ही खुल भी गया। सो इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट फेस ग्लॉसी हाइलाइटर स्टिक। ओके लेट्स ट्राई इट। तो इस ग्लॉसी स्टिक से बेसिकली हम पसीना लेकर आएंगे अपने मुंह पे, ऐसा लगेगा कि हम तो ग्लो करते हैं। भाई ये काफ़ी ऐसे ऑयली लाइक मॉइस्चराइजिंग टाइप लग रही है ये मेरे को। सो बेसिकली इफ़ यू हैव ऑयली स्किन लाइक मी, किसी काम का नहीं है, बिकॉज तुम ऑलरेडी थोड़ी देर बाद ग्लोई ग्लोई हो जाओगे बिकॉज ऑफ योर ऑयल। लेकिन अगर तुम्हारी ड्राई, बिल्कुल ड्राई ड्राई स्किन है तो वैसे ही अच्छा है। एंड आई थिंक ये तुम लिप्स वगैरह पे भी लगा सकते हो क्योंकि ये काफी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग सी लगी मेरे को। तो या तो ये है मेरे पास 500 रुपए का स्टोरेज बॉक्स, मेकअप स्टोरेज बॉक्स, जो कि क्वालिटी मतलब पैकेजिंग, सॉरी पैकेजिंग तो इसकी काफी सही सी लग रही है। लेकिन ये क्या है, ये पूरा सिलिकॉन का है और इसके नीचे ये बॉटम पार्ट है इसका, तुम ऐसे रख सकते हो कहीं भी टेबल पे, एंड ये इसका टॉप पार्ट है। अब ये क्या मेकअप प्रोडक्ट रख सकता है, ये तुम्हारी सारी लिपस्टिक्स को होल्ड कर सकता है एंड ये ऐसे सिलिकॉन में बना हुआ है। आई विल शो यू कैसे वर्क करता है ये। सो बेसिकली ये मेरी लिपस्टिक है एंड मैं इसको कहीं भी ऐसे दबा सकती हूँ एंड ये होल्ड कर रहा है लिटरली इसको। सही है, पतले वाले भी आ गए मोटे वाले। मेरे को लग रहा है मन्नी कुछ कहना चाहता है, क्या चल रहा था दिमाग में। टेबल पे भी रख सकते थे यार, मतलब गिरेगी नहीं इसलिए। टेबल पे रखेंगे तब भी नहीं गिरेगी, सही कह रहा है क्योंकि ये बहुत महंगा पड़े, 500 रुपए का है। जो ऐसी मोटी वाली लिपस्टिक्स है ना, तुम वो होल्ड कर सकते हो इस पे सिर्फ, तो ये देख लेना तुम। बट ठीक है, आई गेस एक ही जगह रहेंगी, ऊपर रखी रहेंगी तो मिल जाएगी। तूने मेरे दिमाग में डाल दिया, आई कैन नॉट गो बैक कि टेबल पे भी रख सकता है ये तो हम। ऑब्वियसली वी हैव अ कलर चेंजिंग लिप बाम, मतलब एक कलर चेंजिंग प्रोडक्ट तो हमारे पास होता ही है। एंड आई गेस अभी तो बहुत ज्यादा बनने लग गए, पहले हमें लगता था वाओ क्या नई चीज आई है, अब एवरीथिंग इज कलर चेंजिंग। तो ठीक है देखते हैं, इसे ट्राई करते हैं, लेकिन पहले ये हटा लेते हैं। बट ऑब्वियसली इसको इसलिए मंगाया गया था क्योंकि ये काफी रिकमेंड हुआ है, ऑल्सो बिकॉज ये सस्ती बहुत है, ये 150 रुपए की है सिर्फ। तो ठीक है इसे ट्राई करते हैं। काफी ज्यादा मस्त पैकेजिंग है, काफी इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिंग, नाइस। कोई खुशबू नहीं, मुझे लगा मेरी नाक खराब है क्योंकि दिल्ली में ठंड है, मतलब मुझे देख के नहीं लग रहा होगा, मुझे लगा मेरा नाक बंद है, बट इसमें कोई खुशबू नहीं है। सी इट्स सो मॉइस्चराइजिंग, लगाते लगाते ही कलर चेंज कर रहा है मेरा, वो मुझे दिख रहा है कलर चेंज होते हुए। एंड काफी नाइस सा पिंक आया, बट आई थिंक ये वाला पिंक हर किसी के ऊपर नहीं आएगा बिकॉज आई थिंक इट चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू पीएच एंड यू नो सो मेनी अदर थिंग्स। तो सब पे अलग अलग प्यारा पिंक शेड आने वाला है, मेरे पे अभी फिलहाल ये वाला आया है एंड आई थिंक या इट लुक्स नाइस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। ऑल्सो 150 रुपए का है तो ये काफी चलने वाला है, ऑल्सो ये काफी ज्यादा वाला प्रोडक्ट है। ओह नहीं, ये क्या बात हुई, हाँ इतनी बड़ी ट्यूब में इतना प्रोडक्ट आना चाहिए था ना, मैं हाफ आया है। इट्स अ स्कैम, इट्स अ स्कैम, मैं बता रही हूँ। सो गाइस दैट वाज इट, भाई साहब आज हमने कितने सारे वाले प्रोडक्ट्स ट्राई करे, मेरे को तो भूख ही लग गई यार, काफ़ी चीज़ें वर्क कर रही है येस। लेकिन आज वाले प्रोडक्ट्स पता है कैसे थे, कि उन्हें शांति से टाइम दे के लाइक विद पेशेंस तुम्हें उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा, ट्राई आउट करना पड़ेगा, तभी तुम्हें उसका एक्चुअली में रिजल्ट पता चलेगा। थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी आज, लेकिन थोड़ी सस्ती भी थी जो कि वर्क करी थोड़ी नहीं करी। लेकिन तुम मुझे बता कि तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था आज की वीडियो में, कॉमेंट्स डाउन बिलो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और कुछ भी चीज़ें ट्राई करो तो मुझे उसके लिंक्स वगैरह भेज देना, यहाँ पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मतलब इट्स ऑल फाइन। टिल द लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।